हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल पार्ट वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीन। पश्चिम बंगाल जो है उसकी सीमाएं तीन देशों के साथ लगी हुई हैं। वो तीन देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन तीन देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान का मरुस्थली जिला नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबरीमाला है क्या। सबरीमाला केरल में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रमुख तीर्थ यात्रा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। सबरीमाला जो है टेम्पल जो है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, कौन सा स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। जैव विविधता क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसकी दृष्टि से धनी स्थान जो है वो है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? ऑप्शन है पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि या शंकु वृक्षी वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधीय वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय वन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ तो पता होगा सभी को, चीतल क्या है? तो चीतल एक हिरण की प्रजाति है जिसको चित्तीदार हिरणी भी होते हैं, जिसके शरीर पर वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है ये तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, कौन सा है एकमात्र अभ्यारण्य? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दाची ग्राम। यहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है और ये कश्मीर में है दाचीग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्ती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये कुक्ती वन्य पशु विहार जो है ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? ऑप्शन है कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू या गेंडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। अब ये कौन सा जानवर है? ये बंदर की एक प्रजाति है जो दिखने में थोड़ी शेर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैंग्रोव वन। सुंदरबन के जंगल जो है उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, भारतीय वन जीव संस्थान कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार जियोग्राफी का पार्ट 2 लेकर दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।